कि देश में रिजर्वेशन एक्ट होना चाहिए। जो रिजर्वेशन एक्ट नहीं है उसकी वजह से जो आरक्षण नीति का जो अमलीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये रिजर्वेशन एक्ट में एक प्रावधान होना चाहिए कि इसका जो भंग करे उसको 5 से 6 साल की सजा होनी चाहिए। इस देश में रिजर्वेशन एक्ट की बहुत आवश्यकता है। दूसरा मैं बताऊंगा ओबीसी के लोगों के बारे में कि अगर बाबा साहब की बात संविधान सभा में मानी गई होती, बाबा साहब ने ओबीसी के लिए जो धारा 340 बनाई उसमें सेम शब्द का उपयोग किया था, पर इस पर नेहरू जी ने वोटिंग करवाया और संख्या के बल पर मैं शब्द इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से ओबीसी को कितने साल अधिकार लेट मिले। दूसरी भी बात बताऊं, अब हमारे जो साथी बताए कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि हम तो जानते हैं कि आरएसएस हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं अडवाणी ने हत्याकांड निकाली थी, भाई मंडल कमीशन आया तो राजीव गांधी ने भी संसद में बोला था, वो संसद भवन के रिकॉर्ड में है। हमें जो बातें निष्पक्ष करनी चाहिए, तो ये तीन बातें हैं, तीन पॉइंट्स है कि मेरे आपको सुन कि मैं बात रखता हूं, मैं पूरा करता हूं। जय ओबीसी, जय गुरु निवासी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।